नमस्कार, आपका स्वागत है मोबाइल रिपोर्टर में और मैं हूं आपके साथ आकिब शेख। दरभंगा रेलवे स्टेशन ब्लास्ट मामला अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मामला दूसरी ओर बढ़ चुका है। यहां दरभंगा ब्लास्ट केस में हैदराबाद से गिरफ्तार सगे भाई इमरान और नासिर को NIA की टीम ने पटना लेकर पहुंची। ATS ऑफिस में पूछताछ के लिए कोर्ट में पेश किया गया। वहीं दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार दोनों आरोपी आतंकी इमरान और नासिर को शुक्रवार को पटना लाया गया। एयरपोर्ट पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ इन्हें बाहर लाया गया। दोनों आरोपी सगे भाई और इन्हें NIA ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। गुरुवार को NIA ने हैदराबाद के न्यू मेलापल्ली इलाके में छापेमारी की थी, जहां से IED बम बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विस्फोटकों से संबंधित कई तरह के दस्तावेज हाथ लगे थे। ये छापेमारी बुधवार को गिरफ्तार किए गए मोहम्मद इमरान मल्लिक और उसके सगे भाई नासिर मल्लिक के ठिकाने पर हुई थी। दोनों के तार लश्कर ए तैयबा के जरिए लीम उर्फ टुइबा और इकबाल काना से जुड़े हुए हैं। पटना पहुंचने के बाद दोनों आतंकी भाइयों को ATS ऑफिस लाया गया। यहां इमरान और नासिर से ATS बिहार के अधिकारियों ने पूछताछ की। इसके बाद NIA की टीम और ATS स्वात दस्तावेज के साथ इमरान और नासिर को लेकर NIA कोर्ट लेकर पहुंची, जहां दोनों की सबसे जो बड़ी तार लश्कर तैयबा के जरिए लीम उर्फ और इकबाल काना से जुड़ा हुआ बताया गया है। इकबाल काना का सीधा कनेक्शन क्षेत्र से है, इसलिए पार्सल ब्लास्ट का पाकिस्तान से जोड़ कर देखा जा रहा है। NIA और ATS के अफसर नासिर और इमरान ने पूछताछ कर रहे हैं। इसके बाद कई खुलासे होने की उम्मीदें भी जताई जा रही है। उधर NIA की टीम ने दोनों के घर और उसके जगह के प्रदेश खंगाला, जहां पर ये दिखावे के लिए कपड़ों का कारोबार कर रहे थे। सूत्रों के माने तो दोनों भाइयों की गिरफ्तारी के बाद लोकप्रिय छापेमारी में एक बड़ा सबूत NIA के टीम को हाथ लगा था। इनके बाद ठिकाने से उस केमिकल का आज अंश भी मिला है, जिसका इस्तेमाल दरभंगा पार्सल ब्लास्ट में हुआ था और इसे पुख्ता करने के लिए बरामद केमिकल के अंश की CFSL भेजा गया है, जहां कहा है कि उसकी जांच एक हमारे विधायक दरभंगा स्टेशन पर ब्लास्ट के बाद क्षेत्र में जहां एक तरफ से लहराए गए सबूत और जिनका रोड़ों का बुरा ML आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सचिन भूषण हजारी लगातार तीसरी बार विधायक जाएगा। पहली बार उन्होंने भाजपा से 2010 में टिकट लिए थे और उन्होंने जीत हासिल किया था। उसके